यदि आपने 2020 और 21 असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और आपका टीडीएस रिफंड होना है, तो आप सबके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। आपका टीडीएस रिफंड होना जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजिंदर और आप देख रहे हो आरएसबी लेटेस्ट इन्फो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप घर बैठे सिंपली एक लिंक से ही अपना टीडीएस रिफंड स्टेटस जान सकते हो कि आपका टीडीएस रिफंड हुआ है या नहीं हुआ है, और यदि हुआ है तो वो कितना अमाउंट हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, और यदि आपको लगे कि वीडियो जानकारी थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट थी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जिनका भी टीडीएस रिफंड होना है ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहली बात करता हूँ कि आप जो है वो दो तरीके से अपना टीडीएस रिफंड का स्टेटस जान सकते हो। सबसे पहला तरीका ये है कि आपको जो है वो अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पर जाना है एंड किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद गूगल के सर्च टैब में आपको सिंपली टीडीएस रिफंड स्टेटस पे क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक आउट करोगे तो आपके सामने जो है वो सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा, रिफंड स्टेटस टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक आउट करिएगा तो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से विंडो जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये जो है वो टैक्स इन्फॉर्मेशन यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही विंडो है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड जो है वो डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको फ्रेंड्स असेसमेंट ईयर में जिस ईयर की आपने जो है वो रिटर्न फाइल करी है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार जो है वो 2 से 3 साल तक की रिटर्न आप फाइल कर सकते थे। यदि आप प्रीवियस 3 साल का भी रिटर्न चेकआउट करना चाहते हो तो आप सिंपली जो है वो असेसमेंट ईयर चूज करना है, और जिस भी ईयर का आप असेसमेंट चूज करोगे वो आपका जो है वो टीडीएस रिफंड कितना क्रेडिट हुआ है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल के लिए 2020 और 21 करेंगे। ये करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको जो है वो सिंपली जो कैप्चर यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है इसे एंटर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और सिंपली प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का जो है वो स्टेटस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो है वो रिफंड क्रेडिट हो चुका है। और इन केस यदि आपका यहाँ पे स्टेटस शो नहीं होता है और आपको जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मेल आ गया है तो उसका दूसरा तरीका रहेगा। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट जो है वो स्टेटस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है और यहाँ पे जो है हमें अमाउंट क्रेडिट हो चुका है 1 दिसंबर 2020 को। ठीक है फ्रेंड्स, और किस अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, किस मोड से हुआ है, और जो ये है रेफरेंस नंबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो है वो अपना टीडीएस रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हो। व्हाटएवर आप चाहे एजेंट हो, चाहे एलआईसी एजेंट हो, चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हो या प्राइवेट जॉब में काम करो, व्हाटएवर अगर आपने इनकम टैक्स फाइल किया है तो ये है सबसे पहला तरीका अपना टीडीएस रिफंड स्टेटस जानने का। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको जो है वो सिंपली क्या करना है, अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पर दोबारा से जाना है गूगल के सर्च टैब में, और यहां पे आपको टाइप करना है आईटीआर लॉगिन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप आईटीआर लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, आप सिंपली क्लिक आउट कर लीजिएगा। जैसे आप क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह की विंडो यहां पे आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह की विंडो जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाए तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, और अब आपको क्या करना है, सिंपली डैशबोर्ड पे जाना है एंड व्यू रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट एन ऑप्शन, तो आपको जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न करना है एंड सिंपली चेकआउट कर देना है। सबमिट, जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपने जो भी रिटर्न्स फाइल आउट करी होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपको सिंपली जो है यहाँ पे क्लिक आउट करना है, और जैसे आप क्लिक आउट करोगे तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा स्टेटस आ जाएगा कि कब आपने रिटर्न फिलअप किया है, कब आपका प्रोसेस हुआ है, कितना अमाउंट आपको क्रेडिट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है वो आपको अमाउंट क्रेडिट हुआ है, और उसके साथ जो है वो आपको इंटरेस्ट भी दिया गया है 280 एंड टोटल जो है वो आपका इतना अमाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है, और क्लियरेंस डेट जो है वो 7/12/2020 को, यानी कि 7/12/2020 को जो है वो आपका अमाउंट आपको क्रेडिट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इन दो तरीकों के साथ जो है वो आप अपना टीडीएस रिफंड स्टेटस जान सकते हो, और यदि आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप वीडियो में जरूर कमेंट करें, हम डेफिनेटली आप सबकी हेल्प करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड
कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, और आपको कोई भी हेल्प की जरूरत होगी तो हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और आप सबकी सुविधा के लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है, आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक आउट करके भी अपना जो है वो टीडीएस रिफंड का स्टेटस बड़े ही इजिली चेकआउट कर सकते हो। और मैं बहुत ही जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर जो है वो एक ब्लॉग भी टाइप कर रहा हूँ कि आप सिंपली यदि आप हिंदी में भी उसे रीड आउट करना चाहते हो तो आप बड़े ही आसानी से हमारी वेबसाइट www.rsblatestinfo.com से जो है वो चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और यदि इसी तरह की वीडियो और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको चाहिए तो आप जो है वो आरएसबी लेटेस्ट इन्फो को सब्सक्राइब कर सकते हो। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नॉलेज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।